हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट विद एडवाइजर्स। अभी आज ही मैंने देखा ये कोटक चेरी। ओके, दिस कोटक चेरी इज लाइक वन, यू कैन से वन स्टॉप सॉल्यूशन व्हिच मोस्ट ऑफिसर लुकिंग। ओके, एंड इट्स रियली गुड। मैं इसी जैसे फेसबुक पे देखा तो कोटक चेरी का मेरे को ऐसे ऐड आ रहा था, आई डोंट नो हाउ, लेकिन ये रियली really अच्छा है। मैं भी ऐसे ही कुछ खोज रहा था एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर नाउ। ओके, तो इसमें जो मेन जो सबसे अच्छा मेरे को लगा कि एक बाई डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स। अभी तक सब लोग जैसे आईसीआईसीआई डायरेक्ट या फिर किसी से हम लोग बाई कर रहे थे तो हमेशा रेगुलर फंड वहां पे अवेलेबल थे। ठीक है, एक दो चीजें हैं जिसमें भी मैं टॉक करूंगा। और फिर देन आपका जो जो भी और भी जो आपको इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे गोल्ड खरीदना है, एनपीएस खरीदना है, बॉन्ड्स खरीदना है, एफडीज खरीदना है, यू कैन कनेक्ट योर अकाउंट्स आल्सो एंड यू कैन डू दैट। तो लुक्स दैट कि कोटक चेरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहा है जो कि विच विल बी डायरेक्टली हैविंग फाइट विथ, मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगा। आई थिंक दैट इसके चलते अब आईसीआईसीआई डायरेक्ट वगैरह को भी प्रेशर आएगा एंड दे विल मेक ए प्लेटफॉर्म सिमिलर लाइक दिस। ओके, एंड प्रॉब्ली अब ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि कोटक को एक एक लेग देगा उनके जो कोटक सिक्योरिटीज है जो कि ये सब करता है। ठीक है, तो देखते हैं उसका कैसे कैसा हो, कैसा दिख रहा है प्लेटफॉर्म। वो मैंने अपना लॉगिन कराया उसमें। ठीक है, ये मेरे लॉगिन में आपको टिपिकली आपको मोबाइल नंबर चाहिए और आपका ईमेल आईडी चाहिए, पैन नंबर चाहिए और लो कर दे, ये हो जा रहा है। ठीक है, स्टिल आई हैव नॉट एडेड माई अकाउंट नंबर विच विल बी इम्पॉर्टेंट व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं म्यूचुअल फंड्स। ये म्यूचुअल फंड्स में आपको जैसे एक आपको पहले ये पूछ रहा है कि आप कैसे रिस्क है, रिस्क के हिसाब से आपको पर्सनलाइज सजेशंस भी दे रहा है, लेकिन अदरवाइज यू कैन गो एंड डायरेक्टली सर्च योर म्यूचुअल फंड्स आल्सो। ठीक है, जैसे मैं एक्सिस का कोई फंड सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो एक्सिस मैंने डाला, सब दिखाने लगेगा एक्सिस से सेविंग। ठीक है, और एक्सिस से ब्लू चिप, एक्सिस ब्लू चिप फंड, एंड देखो डायरेक्ट प्लान आ रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक अब इसमें कोई लगभग लगभग सब है, एक चीज मैं दिखाऊंगा वो अभी मेरे को समझ में आ रहा है कि क्यों एसबीआई है, कोटक तो ऑब्वियसली रहेगा, आईसीआईसीआई के सारे फंड्स ये भी हैं, और देखते हैं मोतीलाल ओसवाल, मोतीलाल ओसवाल के भी सारे फंड्स हैं। ठीक है, मोतीलाल ओसवाल, ठीक है, फ्लेक्सी फ्लेक्सी कैप फंड जो बड़ा वाला वो है, सबसे तो बड़ा फंड इनका है, जिसको फ्लेक्सी कैप फंड आज के डेट में नथिंग बट योर आपके जो होते हैं पहले मल्टी कैप था जिसमें कि कोई वो नहीं है, कोई फंड मैनेजर के पास कोई इस तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किसमें कितना डाले, लार्ज कैप में कितना डाले या मिड कैप में कितना डाले या स्मॉल कैप में कितना डाले, कोई इसमें किसी भी तरीका का रिस्ट्रिक्शन नहीं, कहाँ डालना है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ये फ्लेक्सी गैप विच इज गोइंग टू बी वेरी प्रिविलेंट गोइंग फॉरवर्ड। अब एक चीज में देखा कि यहाँ पे पराग परिक आप देखोगे, पराग ये मैच नहीं कर रहा है, PPFA ये भी नहीं मैच कर रहा है, मुझे लग रहा है कि ये नहीं है पराग परिक, अभी नहीं आया, आना चाहिए स्लोली। इन्वेस्को है, मीराई मीराई भी है, तो लगभग सारे मेजर फंड हाउसेस इसमें हैं विच इज रियली गुड। ठीक है, अब नीचे चले जाएंगे, एक्सप्लोर करते हैं और थोड़ा डिपॉजिट्स। आपको जो अगर फिक्स डिपॉजिट करना है यहाँ पे डालो, और फिक्स डिपॉजिट यू कैन इनिशिएट कितना दिन का आपको डालना है, सब जैसे फिक्स डिपॉजिट आप ओपन करते थे यहाँ से आप ओपन कर सकते हो डायरेक्टली। और देखते हैं जरा इसमें स्टॉक्स, कैन बी बाई स्टॉक्स, सर्च स्टॉक्स, लग रहा है कभी स्टॉक भी बाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने ट्राई नहीं मारा है। और देखो एक फुट पार्ट ये देखो यहाँ पे बहुत अच्छा एक चीज दिखाया मैंने, मैंने दिखाया मतलब क्वालिटी है यहाँ पे। न्यूज न्यूज की जो ट्रैकिंग है ना, दैट इज ऑल्सो लुकिंग प्रीटी नाइस, होप लेटर दे पुट लाइक स्क्रीनर स्क्रीनर डॉट इन जो है वैसे जाके यहाँ पे डाल दे तो फिर बहुत मजेदार हो जाएगा, ताकि आपका जो सिलेक्टेड स्टॉक के न्यूज इसमें आने लगे इंस्टेड ऑफ हैविंग ऑल द न्यूज, तो एक बहुत बढ़िया हो जाएगा।
डिपॉजिट हो गया, एनपीएस आप खरीद सकते हैं, इन्वेस्ट इन एनपीएस, लर्न अबाउट एनपीएस, एनपीएस कैसे होता है। ओके तो एक अच्छा यहां से मुझे लग रहा है कि सब डालेंगे तो लोग ओवरऑल पोर्टफोलियो एक जगह आपको दिखना चालू हो जाएगा। होपफुली देर आर ऑल्सो गिविंग यू ऑप्शन टू एड योर अपलोड योर सी एस, अपलोड ऑल म्यूचुअल फंड, एक्सप्लोर ऑल म्यूचुअल फंड, अपलोड सी एस क्या है ना, आई एम नॉट श्योर, सी ऑल योर एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट, वाओ दैट्स फैंटास्टिक, तो डाउनलोड योर कैंप्स डॉक्यूमेंट, कैंप्स में जैसे आप कैंप्स में करते हैं सारे म्यूचुअल फंड कैंप्स में आपके दिखते हैं, तो वहां से डाउनलोड करके यहाँ पे अगर आप अपलोड कर देगा वो फाइल डायरेक्टली पीडीएफ, तो यहाँ पे वो अपलोड होकर आपको जो दूसरे जगह मैंने जैसे मान लिया हमने एक्सिस का फंड खरीदा है फ्रॉम एक्सिस, तो ये यहाँ पे मुझे दिखाने लगेगा, दो आई एम नॉट इन्वेस्टेड थ्रू चेरी। ओके सो ओवरऑल इट लुकिंग ए फैंटास्टिक आइडिया एंड आई होप इट विल कीप ऑन गेटिंग अपग्रेडेड विथ मोर एंड मोर बेटर आइडियाज। ड्रीम क्या है, परसुइंग अचीव, अच्छा इसमें आप लग रहा है कि आप ड्रीम बना सकते हो, बिकम वेल्दी, लॉन्ग टर्म गोल, प्लान नाउ, लॉन्ग टर्म गोल, डिड यू नो माई फर्स्ट लैक, माई फर्स्ट 10 लैक, माई फर्स्ट, ओके जैसे मान लो कि किसी को करना है, यस आई एम मच अबाउट ऑल दिस स्टफ, तो किसी को आपको करना है, हेलो आई एम चेरी, ओके ओके उसके बाद ऑक्यूपेशन से सर्विस, ओके फिर आगे जाओ, आई वांट टू क्रिएट माय वेल्थ, यस अमाउंट क्या बोले, सेट ए टारगेट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वेल्थ यू वांट टू एक्युमुलेट, से आई एम पुटिंग 5 लाख 50 लाख, तो 5 करोड़ दिखा रहा है इन 10 इयर्स, ओके टू अचीव दिस ड्रीम कंफर्टेबली सजेस्ट टू इन्वेस्ट 5 लाख एज वन टाइम लंप सम नाउ, ओके या 2,88,000 का मंथली एसआईपी फॉर 10 इयर्स, ठीक है, आई एम फाइन विद इन्वेस्टिंग दिस सजेस्टेड अमाउंट, गॉट इट, वो लगे 70% डेट में डालो और नाइस, दिस मीन्स दैट यू विल हैव इन्वेस्टेड अ टोटल अमाउंट ऑफ 3,51,00,000 by the end of 10 years, that is 5 lakh is lump sum and 3,46,000 as 3,46,000 is SIP. Cherry comes to lose 70% equity, market will do it. Okay. The 70% equity mein chahiye. Achha. Contact details mein search your contact details, email use as a Kotak Cherry is not same as KRA KYC. कहां से आ रहा है, नो आई वांट अपडेट माय कैरी केवाईसी सेल्फ वेरिफिकेशन, ओके विजय दाल हाँ चढ़ा ये कुछ तो वेरिफिकेशन है, ओके सो नेट नेट समथिंग इफ यू डू देन प्रोबेबली Here it will be starting showing कि क्या यहाँ पे करना है, ठीक है, तो it's really good, I'm going to give it a try and start investing आज तक मैं, अच्छा एक उसके पहले मैं आपको बता दूँ, शायद मैंने बताया नहीं, बहुत लोगों को एक्चुअली ऑलरेडी पता है ये चीज कि आपका जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड जो होता है और रेगुलर म्यूचुअल फंड, जैसे ऐसे से डायरेक्ट जब भी हम लोग जाते हैं तो डेट इज रेगुलर म्यूचुअल फंड, रेगुलर म्यूचुअल फंड में आपको क्या होता है कि जो एक्सपेंसेस होते हैं मार्केटिंग एक्सपेंसेस